आइए जी मेरे साथ. हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम जहां पर इब्रार उल हक साहब पहले से पहुंच गए. मैं शायद लेट हो गई हूं, मगर देखते हैं क्या हो रहा है. इतनी जल्दी आप पहुंच गए, क्या हाल बना लिया आपने? आप इतनी देर कहां रह गई थी? आप मैं कुछ खा आ रही थी. मैंने कहा आपको टाइम लगता लगेगा? तो नहीं, आप खाती भी हैं? सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को टाइम लगता है. मैंने कहा थोड़ा लगेगा. बड़े पंक्चुअल हैं जी, बड़े काम करने होते हैं. कैसे फिर आप, कैसे फिर आपका गुजारा कैसे होगा? गुजारा हो जाता है, हो जाता है. हाँ, टिकट कैलकुलेट करना पड़ता है. यहाँ पे खेलते हैं? हाँ, कभी यहाँ पे एक दो और जगह भी हैं. अच्छा, लेकिन ज्यादातर हम लोग हार्ड बॉल से खेलते हैं. हाँ. आज तो ये सॉफ्ट बॉल से खेल रहे हैं. ओके, तो इमरान खान साहब से होती है क्रिकेट के हवाले से बातचीत? कमी होती है, कभी हुई? हाँ. क्रिकेट लेकिन एक ऐसी चीज है कि हमारे हर पाकिस्तान के हर लड़के को जो है वो क्रिकेट का क्रेज है. आपके बेटे को है? बिल्कुल है. हाँ, पागलों की तरह वही वाला क्रेज. बहुत सारी गेम्स खेलता है, फुटबॉल ज्यादा खेलता है वो. मिलवाऊं आपसे? हाँ ना, मिलवाए ना मुझे. ताहा, इसलिए तो मैंने बात की थी. ताहा, ताहा, अरे वाह, इब्रार उल हक साहब के बेटे ने हमें ज्वाइन किया है. ताहा, मोहम्मद ताहा ने. मोहम्मद ताहा इज एन एजिसोनियन और 100 और 200 की रेस भी माशाल्लाह ये फर्स्ट आया और हाई जंप का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया जैसे कॉलेज का. तो क्या कह के बुलाते हो आप इनको? मैं इनको बाबा. बाबा? हाँ, बाबा. अच्छा, तो बाबा के बारे में हमें सीक्रेट्स बताओ. हमने सारा दिन गुजार लिया है, आज हमें कुछ खास नहीं पता चला. बाबा के बारे में सीक्रेट्स? सीक्रेट्स तो सारों के होते हैं, और सीक्रेट्स तो सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक सीक्रेट्स ही रहेंगे. हाँ, देखो सर, अल्लाह, इंटेलिजेंट बाप का इंटेलिजेंट बेटा है ये. तो क्या बनना है बड़े होके, क्या इरादे हैं? फिलहाल तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या क्या है. अभी क्या क्या पसंद है? सिंगिंग पसंद है? सिंगिंग इतनी नहीं. पॉलिटिक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्रिकेट? क्रिकेट पसंद है. क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट और फुटबॉल. आप मुझे ये बताओ, कभी ऐसे दोस्त जमाया है? पता है मैं किसका बेटा हूँ? नहीं, कभी भी नहीं. कभी एक आध दफा? नहीं, कभी ऐसे दिल्ली नहीं गया. दिल्ली नहीं गया, अल्लाह माफ करे. अच्छा, तो अब्बा के बारे में तीन अच्छी बातें और तीन बुरी बातें बतानी है आपने. बाबा की मुझे ये अच्छी बात लगती है कि मतलब जो मैंने बाबा को देखा है वो यही है कि बाकियों की हेल्प करना और बहुत जेनरस. जेनरस है. और बुरी बातें क्या है, कमजोरियाँ क्या है बाबा की? वो तो फौरन फौरन आएंगी. नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है मुझे तो पूरी बात तो कोई. अच्छा, तो अभी किसी बर्थडे आने वाली है या कुछ मांगा हुआ है? हाँ, अभी तो नहीं बोलूंगा. ऐसा है क्या, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तो होती है ना बुराई. परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता. हो जाए आज, हो जाए तो. हाँ, हो जाए. बुराई अगर मुझे कोई लगती भी हो तो मैं वो बताऊंगा. वाह, ये आपका ही बेटा है. बिल्कुल. या तो उसे सोच के जवाब देना है पूरा पूरा, या फिर उसे जवाब ही नहीं देना. कोई गाना पसंद है अब्बा का बड़ा फेवरेट गाना? कौन सा वाला? एक तो जट चढ़िया कचहरी, क्योंकि वो तो गाना मुझे बहुत पसंद है. कौन सा वाला? जट चढ़िया कचहरी. हाँ, तो गाना आता है? थोड़ा बहुत ही गाता है. मैं? हाँ. नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाते. या आपके भाइयों वाला हाल तो नहीं है? नहीं, उतना बुरा नहीं है. अच्छा, वो बुरा था क्या? का बहुत आपने सुना नहीं ना. सुनते तो, और उनको भी पता है. हाँ, कि अच्छी तरह. So you've seen your father, you know, struggling all his life, and you've seen him famous, you've seen him helping people. What do you want to say? आज टीवी के सामने हो और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपने अब्बा के बारे में अपने अब्बा से क्या कहना चाहते हो? मैं अपने बाबा से यही कहना चाहूँगा कि जो हर पेरेंट होता है वो अपने मतलब बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, कि जो वो कर सकता है वो करे. कभी कभी जब बच्चा उस साथ कंफर्टेबल ना भी हो, फिर भी वो बच्चे उस वक्त समझते नहीं है, उनके लिए गलत होता है, लेकिन पेरेंट्स देनो एवरीथिंग. मार पड़ी कभी अब्बा से? नहीं, नहीं पड़ी. चलो, इससे पहले कि पढ़े हम लोग भी छुट्टी कर लेते हैं. आज का सारा दिन हमने गुजारा, बहुत मज़ा आया. आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया हो. और मेरा पूरा इरादा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगी, मगर ये फील्ड बहुत गीली गीली सी है, तो मैंने सोचा ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आ गया है आज. ये तो सब है मजाक की बातें. आज की शो से मैंने ये सीखा कि इंसान अच्छा अच्छा सोचे, अगर अच्छा अच्छा चाहे तो अच्छा अच्छा हो भी जाता है. और हिम्मत कभी भी हारनी नहीं चाहिए. अपनी उसी नीयत को लेके चलें जो आप समझते हैं कि आपकी नेक नीयत है. अल्लाह ताला आप सबको, हमें अपनी अपनी नेक नीयतों में कामयाब करे. अपना रखिए बहुत सारा ख्याल. मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड किसी नए शो में, किसी नई जगह पर, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ. तब तक के लिए मुझे और इनको दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.